रायपुर में कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजापुर में हुई दो बच्चों की मौत के मामले पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए। बच्चे वास्तव में दुर्घटना के शिकार हुए। कांग्रेस इस घटना के उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है। वहीं नारायणपुर में हुई कांग्रेस नेता की हत्या पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद आपराधिक तत्वों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। बेहद दुर्भाग्यजनक है, जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है अपराधी तत्वों के हौसले बढ़े हुए हैं। अपराधी सर चढ़ के बोल रहे हैं, बेलगाम हो चुके हैं। सरकारी संरक्षण में अपराधी तत्व तो राजधानी से लेके सुदूर बस्तर तक उनकी गतिविधियां बढ़ गई हैं और पूरी सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी तरीके से निष्फल साबित हुई है। कांग्रेस पार्टी अपने नेता की हत्या से दुखी है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इस घटना के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या होती है तब उसको टारगेट क्लीन करते हैं। हमारे नेताओं की लगातार हत्या हो रही है, इस मामले में न गृहमंत्री का कोई बयान आ रहा, न मुख्यमंत्री का बयान आ रहा, न किसी प्रकार की कोई जाँच की जा रही है।